नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैल पुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन हम शैल पुत्री माता का पूजन करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शैलपुत्री माता का जन्म किस प्रकार हुआ। बहुत समय पहले की बात है, जब प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष ने इस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण किया, लेकिन अपनी बेटी सती और पति भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। इस पर भगवान शिव ने सती से कहा, अगर प्रजापति दक्ष ने हमें यज्ञ में नहीं आमंत्रित किया है तो ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद सती जाने के लिए वहां जिद करने लग गई कि मुझे यज्ञ में जाना है, मेरे पिता ने यज्ञ करवाया है। फिर सती के बार बार आग्रह करने पर और उनकी जिद पर भगवान शंकर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उनकी बहनों ने उन पर कई तरह के कटाक्ष किए, साथ ही भगवान शंकर का भी तिरस्कार किया। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को काफी दुख पहुंचा। वे मन ही मन बहुत ही परेशान हो गई और दुखी हो गई। उनका मन इस तरह से परेशान हो गया कि उन्होंने जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ की अग्नि में ही कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। इस पर भगवान शिव ने यज्ञ भूमि में प्रकट होकर सब कुछ सर्वनाश कर दिया। सती का अगला जन्म जो हुआ ना, वो हिमालय के घर में हुआ। हिमालय के घर में जन्म होने पर उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। माँ के इस स्वरूप को बेहद ही शुभ माना जाता है और ये महारानी पूरे हिमालय पर विराजमान है। देवी सती ने जब पुनः जन्म ग्रहण किया तो इसी रूप में प्रकट हुई, इसीलिए देवी के पहले स्वरूप के तौर पर माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल से हुई है और माँ ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, उनके बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। उन्हें सती माता के रूप में भी पूजा जाता है। तो ये कहानी थी शैलपुत्री माता की कि उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।